नजर में नींद की हसरत लिए चुपचाप बैठे हैं, कोई बहुत दूर रहकर भी हमें सोने नहीं देता। एक तो यह समस्या है, किसी को नींद नहीं आ रही है। कोई कहता है कि नींद न देख है टूटी खाट। तो हमें इस बात पे चर्चा करना है कि एक 90% आबादी रात में ही क्यों सोती है। हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होती है जो एक हार्मोन क्रिएट करती है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन, और यह मेलाटोनिन हार्मोन को हम लोग रात्रि का हार्मोन, डार्क हार्मोन, नाइट हार्मोन इत्यादि नामों से जानते हैं। और जैसे जैसे शाम होती है हमारा बॉडी रिलैक्स मोड में जाता है और हमारा मस्तिष्क इस हार्मोन को क्रिएट करता है, और यह हार्मोन हमारे नींद के लिए उत्तरदायी होता है। जिस हार्मोन जिस व्यक्ति के अंदर नहीं बनता है उसे अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, यानी कि उसे नींद कम आती है और वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसे दवा लिखता है। लेकिन जिसके शरीर में यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनता है उसे एक अच्छी और परफेक्ट नींद आती है। लेकिन समस्या आती है विद्यार्थियों के साथ, उन्हें अक्सर पढ़ते समय नींद आती है। लेकिन नींद आती ही क्यों है? अगर इनके कारणों में हम जाने तो पहला कारण होता है कि इंटरेस्ट ना होना। यदि हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट है, आप मूवी 3 घंटे की दे सकते हैं, रात में 9 से 12 का शो दे सकते हैं, पूरी रात आप फिल्म दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है और वह इंटरेस्ट आपको कभी सोने नहीं देगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 95% लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब वो इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नींद आएगी, आपका मस्तिष्क तुरंत थक जाएगा, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपके हार्मोन्स लो हो जाएंगे और आप निद्रा की चपेट में चले जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसको भी नींद आने लगती है, चूँकि उसका हार्मोन लेवल डाउन हो जाता है। और आपको नींद न आए इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए उपाय ये करना चाहिए कि पहली बात कि आपको कम रोशनी में नहीं पढ़ना है, नंबर एक। दूसरा चीज़ कि आपको पढ़ते समय कुर्सी मेज़ पर पढ़ना है। कुर्सी मेज़ पर जब आप पढ़ें तो उस पर टेबल लैंप होना अति आवश्यक है, क्योंकि टेबल लैंप की लाइट इस बात को इंडिकेट करेगी कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप कभी भी बिस्तर पर लेट के नहीं पढ़ना। जैसे ही आप बिस्तर पर लेट के पढ़ेंगे आपकी बॉडी एक सिग्नल भेजेगी मस्तिष्क के पास कि हम रिलैक्स मोड में आ गए हैं, और जैसे ही आप रिलैक्स मोड में जाएंगे बॉडी मस्तिष्क आपका मेलाटोनिन हार्मोन को क्रिएट कर देगा और आप नींद के आगोश में समा जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि हल्का और सुपाच्य भोजन करना है और फल की मात्रा आपको बढ़ा लेनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि बगल में पानी का बोतल रखिए और उसको सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर में पीजिए। अगर आप दिन भर में 2 बार केवल खाते हैं तो उसको दिन भर में 3 बार खाने की आदत डालिए, क्योंकि एक होता क्या कि हम अगर सुबह शाम खींच के खा लेते हैं तो भी हम नींद की चपेट में चले आते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको दोपहर में 1 घंटा सोने की आदत डालनी ही डालनी चाहिए। तीसरा क्या है कि आपको पानी मतलब कि कॉफ़ी का मग आपके टेबल पे हो, उसमें कॉफ़ी बनी हो, उसको सिप सिप करके पीजिए, यानी एक मग कॉफ़ी पीने में कम से कम उसको 15 मिनट का समय दें। इससे आपकी नींद भागेगी और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ वह है कि आप बोल बोल कर पढ़ें, आप लिख लिख कर पढ़ें। ऐसे क्या होगा कि आपकी स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की जो ताकत है, मेमोरी पावर है, वो बूस्ट होगी और आपको नींद नहीं आएगी। यदि आपको सब अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।